कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। हाँ, जो यहाँ फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज पर अपलोड किए हैं, तो पहले आप उनको देखिए, फिर यहाँ आइए ताकि आपको चीजें समझ आए, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट उन मेथड्स को यूज करूंगा जो मैंने वहां डिटेल में आप लोगों को समझाए हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अगले जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारे वीडियोज़ हैं, बेसिक्स के वीडियोज हैं या जो भी नए चैप्टर्स के वीडियोज हैं, वो आप वहाँ देख पाएं। क्वेश्चन नंबर वन, एक भुगतान जो 250 कुर्सियों के बिल को 50 रुपये प्रति कुर्सी कम पर 20% और 15% नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट के साथ तय किया गया। कैश पेमेंट दैट विल सेटल अ बिल ₹4.250 एट ₹50 पर चेयर लेस 20% एंड 15% विद अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन कैश पेमेंट इज। चार ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं, तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, इसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बोला गया है कि भाई अगर आप एक कैश पेमेंट देते हैं तो कैश पेमेंट पर एक सेटलमेंट आपको किया गया है, 250 कुर्सियाँ जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति चेयर है, तो 20% और 15% के डिस्काउंट तो थे ही, लेकिन अगर आप नकद भुगतान करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो आपको एक 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ दिया जा रहा है, एक डिस्काउंट, फिर इसके ऊपर एक डिस्काउंट, फर्दर एक डिस्काउंट और। तो ये हम आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं, अभी हम इसको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपकी 250 कुर्सियाँ थी, एक कुर्सी की कीमत 50 रुपये है, इस पर पहला डिस्काउंट 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 5 पर 1 की छूट, तो ये बनेगा 4/5। फिर अगला डिस्काउंट है 15%, ये होता है 3/20, 20 पर 3 की छूट है, तो ये बनेगा 17/20। और फिर एक डिस्काउंट और है 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 20 पर 1 की छूट, मतलब 19/20। कैलकुलेट करेंगे, 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 1917 का 19 × 7 133 3 13 19 × 19 = 13 32 25 से मल्टीप्लाई और होना है, 5 3 = 75 7 कैरी, 5 2 = 50 7 7 5 कैरी, 5 3 = 75 एंड 5 is 80 8075 इज योर फाइनल आंसर। मतलब आपको जो भुगतान करना होगा कैश पेमेंट के साथ 8075 का करना होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तेल रिफाइनरी 1000 लीटर कच्चे तेल को इनपुट के रूप में लेती है और 1 घंटे के लिए रिफाइन करने के बाद एक निश्चित मात्रा में आउटपुट ऑयल एक्स लीटर देती है। इसे 30 रुपये प्रति लीटर के लाभ पर बाजार में बेचा जा सकता है। यदि इस तेल को आधा घंटे के लिए और अधिक परिष्कृत में रिफाइंड किया जाता है तो यह तेल 2 लीटर देता है। इसे 50 रुपये प्रति लीटर के लाभ पर बेचा जा सकता है। दोनों चरणों में आउटपुट और इनपुट अनुपात 90% है। अधिकतम राशि जो कि 1000 लीटर क्रूड इनपुट से अर्जित की जा सकती है वो क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर 1 घंटे के लिए उसको रिफाइन किया जाता है तो जो तेल की कीमत है वो 30 रुपये प्रति लीटर है, और यदि उसको आधा घंटे फर्दर रिफाइन कर दिया जाता है, फिर से रिफाइन किया जाता है, तो जो तेल की कीमत हो जाती है वो 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है बेचने के लिए। और जो अनुपात है इनपुट और आउटपुट में वो 90% का है। तो देखिए, पहला आउटपुट था आपका 1000 लीटर, दूसरा आउटपुट आएगा आपको 1 घंटे रिफाइन करने के बाद, फिर तीसरा आउटपुट आएगा आपको फिर से आधा घंटे रिफाइन करने के बाद। तो पहले पहली कीमत आप देखेंगे 1000 को, तो आपने रिफाइन किया तो वहाँ से आपको 90% मिल रहा है। 90% का मतलब 9/10 लीटर आपको रिफाइन होने के बाद ये मिल रहा है, ठीक है। तो 9/10 सॉल्व करेंगे तो आएगा 900 लीटर। तो 900 लीटर की कीमत 30 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगी मार्केट से। तो यहाँ पर जो आपको इसका जो कॉस्ट बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा मार्केट में, या सॉरी प्रॉफिट, देखिए अब तक केवल प्रॉफिट की बात हो रही है, तो जो प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट 1,
होगा आपका 30 × 900, 30 × 900 यहाँ लिख देते हैं, यह आ जाता है आपका एक पेमेंट आपका 27,000 बनेगा, यहाँ पर है ऑप्शन सी। फिर अगर इसको आधा घंटे और कर देते हैं तो 900 लीटर आपको मिल चुका था, पर फिर से 90% मिलेगा 9/10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 810 लीटर, और 810 लीटर का जो प्रॉफिट 2 बनेगा वो आएगा आपका 810 × 50, 50 रुपये कीमत है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है, आपको मिलेगा 00540। ये आपका आंसर है, ये फाइनल, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, देख लीजिएगा, तो 4050। तो आपके पास कौन सी कीमत ज़्यादा है, एक 27,000 है, एक 40,500 है, तो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 40,500 हुआ, तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आई होप क्लियर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे फंसेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। बाकी अगर ये जो मैंने शॉर्टकट्स यहाँ अप्लाई किए हैं, 4/5 लिखा है, 17/20 लिखा है, 19/20 लिखा है, ये कैसे आ रहा है, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो पिछले वीडियोस पर जाइए, परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो से देखिए, फिर यहाँ आइए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक निर्माता 18% के लाभ पर थोक व्यापारी को चश्मे की एक जोड़ी बेचता है। थोक व्यापारी एक रिटेलर को 20% के लाभ पर उस जोड़ी को बेचता है। रिटेलर बदले में उसे 30.09 में एक ग्राहक को बेचता है, जिससे 25% का लाभ हुआ। निर्माता के लिए लागत मूल्य क्या है? अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। द होलसेलर सेल्स द सेम टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। द रिटेलर इन टर्न सेल्स देम टू अ कस्टमर रुपीज 30.09, thereby earning a profit of 25%, the cost price of the manufacturer is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया किसी परसेंट प्रॉफिट पर, फिर कुछ परसेंट प्रॉफिट पर रिटेलर ने आगे सेल किया, फिर रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया, फिर कस्टमर का आपको प्राइस दिया हुआ कि कस्टमर ने उसको कितने का खरीदा। तो ये बिल्कुल रिवर्स में चल रहा है, तो मैं रिवर्स में ही इसको सॉल्व करूंगा। तो एक कस्टमर ने इसको 30.09 पे किया इसके लिए, अब कस्टमर को जो मिला था वो रिटेलर ने प्रॉफिट लिया था 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 4 में 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 5/4 बनेगा। तो 5/4 को ये जो 4 था ये रिटेलर का कॉस्ट था, और जो 5 पड़ रहा है कस्टमर का कॉस्ट पड़ रहा है, तो कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो यहाँ पर कस्टमर का कॉस्ट है। जब कस्टमर का कॉस्ट को आपको कंपेयर करना है, आगे सॉल्व करना है और रिटेलर का कॉस्ट निकालना है, तो रिटेलर को ऊपर लाइए, जिसका कॉस्ट निकालना है उसके साथ ये कंपेयर हो रहा है उसको नीचे लाइए, 5 को नीचे लाइए, इनटू आगे। फिर रिटेलर ने 20% मतलब एक्स्ट्रा पर लिया था किससे, होलसेलर से, तो 20% का मतलब 20% को यहाँ मैं अलग से दिखा रहा हूँ, 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट लिया होगा होलसेलर ने, मतलब 6/5, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेलर के प्राइस को क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पे मिला है, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है होलसेलर के प्राइस को। अभी ये किसका प्राइस आया है सॉल्व करने के बाद, रिटेलर का, तो रिटेलर का प्राइस को कंपेयर करना है तो उसको नीचे लाइए, मतलब 6 नीचे और 5 ऊपर। इस तरह से फिर 18% प्रॉफिट लिया है मैन्युफैक्चरर ने, 18% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 9/50, यानी कि 50 में 9 का प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर ने लिया है, तो 59 का दिया है किसको, होलसेलर को, तो होलसेलर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है 59 कर रहा है, मतलब ये होलसेलर का बन गया था पूरा कॉस्ट, तो 59 के साथ कंपेयर करना, 59 नीचे लाइए और 50 को ऊपर लेकर जाइए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ₹17। आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे, चलिए अच्छा करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ आप देखिए 59 से इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 59 5 9 295, फिर 591, ये 5 से ये 5 कैंसिल, 2 और ये 3, 3 से 0.51 सॉल्व होगा तो आएगा 0.17, 0.17 2 × 50 100, और 100 × 0.17 इज ₹17, मतलब मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ रहा था, ये ₹17, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, यानी कि आप फर्स्ट टाइम इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो पहले पुराने वीडियोज़ को देखिए, पुराने से मेरा मतलब परसेंटेज से आप शुरू कीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियोज़ देखिए जो 5 वीडियोस अपलोड किए गए हैं, फिर यहाँ आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डीलर 20% की नकद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है,
जब वह आगे एक विशेष रूप से एक सौदा करने के लिए एक दर्जन के बदले 16 वस्तुओं की अनुमति देता है तो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक उसका माल सूचीबद्ध था। वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत टफ क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अ डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हेन ही फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल्स टू अ डजन तो पर्टिकुलर स्टिकी बार्गनर हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज हिज बॉस लिस्टेड। यहाँ इसके कहने का मतलब है कि उसने 20% डिस्काउंट दिया, लेकिन उस 20% डिस्काउंट के बाद भी उसने क्या किया कि 12 वस्तुओं की जगह उसने 16 वस्तुएं दे दी, 12 आर्टिकल्स की जगह उसने 16 आर्टिकल्स दे दिए, यानी कि 4 आर्टिकल्स और एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस या जो लिस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से कितनी परसेंट एक्स्ट्रा था, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहले आप देखिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5/1 का डिस्काउंट, मतलब आइटम उसका 5 रुपये का है तो उस पर 1 का डिस्काउंट दे रहा था, आइटम कितने का पड़ रहा है उसको, जो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 4 रुपये आ रहा है जो आगे वो सेल करेगा, ठीक है। तो 1/5 5/1 का छूट देने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 4 रुपये। लेकिन अब इसने करा क्या है, इसने किया है भाई 4 रुपये का तो एक आइटम है, लेकिन 12 के बदले 16 आइटम दिए हैं, यानी कि 4 × 12 कितने के आइटम होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन 16 दिए तो 16 से डिवाइड करोगे तो एक आइटम का वो प्राइस आ जाएगा जो इसको पढ़ रहा है शॉपकीपर को, ठीक है। तो 6 4 और ये 3, मतलब ये इसको जो सेल कर रहा है 3 रुपये का सेल कर रहा है बेसिकली। फिर आगे की बात करते हैं, अब 3 रुपये का सेल कर रहा है, इस 3 रुपये में भी उसको प्रॉफिट है कितने परसेंट का, 20% का, तो 20% प्रॉफिट है मतलब 1/5, ठीक है, 1/5 तो 5/1 का प्रॉफिट, 5 रुपये पर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 6/5, तो 5 इसका कॉस्ट प्राइस था, 6 इसका सेलिंग प्राइस है, तो 6 इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 5/1 बढ़कर आएगा तो 6/5, तो 5 तो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, ठीक है। तो आपको जो 3 को कंपेयर करना है 6 के साथ करना है, तो 3 तो आपका सेलिंग प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस जो आएगा आपका एक आइटम का वो आ जाएगा आपका 3 × 5/6, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है ये भी सेलिंग प्राइस है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5, यानी कि एक आइटम आपको 2.5 रुपये का पड़ रहा था, कॉस्ट प्राइस जो था 2.5 रुपये का, और सेलिंग प्राइस कितना था उसका, सेलिंग प्राइस तो 4 रुपये था, 3 रुपये था बाद में हो गया, लेकिन लिस्ट प्राइस की बात करें लिस्ट प्राइस कितना था 5 रुपये था, तो 2.5 रुपये एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो 2.5 रुपये 2.5 रुपये पर एक्स्ट्रा कितने परसेंट हो गया, 100%। अगर नहीं आता है सॉल्व करना तो सॉल्व कर लीजिए, तो मार्कअप परसेंट जो एक्स्ट्रा है वो है 2.5/2.5, तो 2.5/2.5 ये आएगा 1, अब 1 क्या होता है 100% होता है, और भी बात समझ में आती है तो 100% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सॉल्व करके कितना आएगा आपको 100%, ठीक है, मींस उसको 100% एक्स्ट्रा मार्कअप किया हुआ है। फिर से मैं आपको ओरल बता देता हूँ कि ओरल अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को। देखिए 20% वो डिस्काउंट दे रहा है, 20% मतलब 1/5, 5 रुपये का एक लिस्ट प्राइस है, 1 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, मतलब 4 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस था, लेकिन उसने क्या किया है, 12 आर्टिकल की जगह 16 आर्टिकल दिए हैं, तो 4 × 12 12 आर्टिकल की कॉस्ट आएगी, लेकिन क्योंकि 16 दिए 16 से आप डिवाइड करेंगे तो जो उसको एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है देने के लिए वो आ जाएगी, तो 3 रुपये का उसने सेल किया इसको देने के बाद, तो 3 रुपये का सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस पर भी उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% मतलब 1/5, 5/1 रुपये एक्स्ट्रा, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो 3 आपका सेलिंग प्राइस था, 3 × 5/6 हम नीचे क्यों लाए, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस है, सॉल्व किया गया है 2.5, तो 2.5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपये उसका लिस्ट प्राइस है, हाँ लिस्ट प्राइस का मतलब सूचीबद्ध मूल्य है, मतलब उसको 2.5 रुपये एक्स्ट्रा उसने डाले हुए हैं, 2.5 रुपये का आइटम पड़ रहा है लेकिन 5 का उसने लिस्ट प्राइस डाला हुआ है, 2.5 रुपये एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो 2.5/2 कंप्लीट हो गया 100%, ओके। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने आसानी के साथ समझाने की इसको कोशिश की है, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट से इसको समझने की कोशिश की है, कोई अलग से मैंने आपको इसमें कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। मीटर स्केल के बजाय कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 120 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है, लेकिन उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है, यदि वह 20% नकद भुगतान की छूट प्रदान करता है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है।
Instead of a meter scale, cloth merchant uses a 120 centimeter scale while buying, but uses an 80 centimeter scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% of cash payment, what is his overall percentage profit? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है, काफी कंफ्यूज करता है सॉल्व करते समय ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन सिंपल है अगर ध्यान से चीजों को देखें। देखिए क्या कर रहा है ये, इसने 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की जगह ये कपड़ा लेकर आया 120 सेंटीमीटर, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसको शॉपर। या सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ कि 120 कपड़ा ला रहा है 100 की जगह, तो इसको जो पड़ रहा है टोटल 120/100। फिर आगे क्या किया इसने, इसने किया 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है बेचते समय, मतलब बता रहा है कि मैं 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है 80 सेंटीमीटर, फिर से 20 सेंटीमीटर बचा रहा है इसके अगेंस्ट, 80 के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको जो इसका एक तरह से प्राइस पड़ रहा है वो 100/80 का पड़ रहा है, 80/20 का प्रॉफिट, यानी कि 100 हो गया। फिर क्या कर रहा है ये, 20% छूट भी दे रहा है नकद पर, 20% का मतलब 1/5 है आप लोगों को, तो 5 पर 1 की छूट क्या हो जाएगी 4/5 आगे हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, कर लेते हैं 100 से 100, 43 जा 42, यानी कि 6/5। तो इसको जो आइटम पड़ रहा था वो 5 का पड़ रहा था और इसने 6 का उसको सेल किया, तो 1 का प्रॉफिट लिया कितने पर, 5 पर, यानी कि 1/5, और 1/5 कितना आता है इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 1/5, और 1/5 को आप जानते हैं ये होता है 20%, 1/5 × 100। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1/5 को आप सीधे याद रखिए, 1/5 मतलब 20%, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूजिंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपए के लाभ पर एक पुस्तक बेची जाती है जो इसकी लागत मूल्य का 10% है, यदि उसकी लागत मूल्य में 50% की वृद्धि हुई हो, मतलब कर दी जाए, तो यह अभी भी 10% के लाभ पर बेची जा रही है, मतलब उतने ही प्रतिशत लाभ पर फिर से बेची जा रही है, तो नया लाभ ज्ञात करें। अ बुक इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹20 व्हिच इज 10% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50% एंड इट इज स्टिल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट। देखिए होने को तो ये बहुत सीधे हो जाएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, और भी सीधे की बात करते हैं। देखिए कितने प्रतिशत प्रॉफिट ले रहा है, 10%, 10% प्रॉफिट ले रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 दर्शा रहा है किसको, कॉस्ट प्राइस को, और 1 किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट को। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20 रुपये, तो यानी कि ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 को 20 बनाने के लिए आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको 20 बनेगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ जाएगा, 10 × 20, 100। अब इस 200 को 50% से बढ़ा दिया गया है, 200 को 50% से बढ़ाने का मतलब आपका जो नया कॉस्ट प्राइस बनेगा वो बन जाएगा 100 × 50 का मतलब 1/2, पर 1 की वृद्धि 3/2, 100 टाइम्स ये आ जाएगा 300, 300 रुपये आपको ये आइटम पड़ रहा है अब, और इस पर 10% फिर से प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, फिर से प्रॉफिट आ जाएगा आपका 300/10 जाएगा 30, यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ 30। एक तो मेथड ये हुआ, मतलब आपका ऑप्शन ए बनेगा। एक आप सीधे सोचिए, 10% प्रॉफिट पहले ले रहा था, 10% प्रॉफिट अब ले रहा है, ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस मेरा बढ़ा है उतने प्रतिशत मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। 20 रुपये मेरा प्रॉफिट था, इसको 50% मुझे बढ़ाना है, 50% कितना होता है 1/2, इसका 1/2 आएगा 10, 10 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 20 और 10 आपका नया प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे भी आप सीधे सोच सकते हैं, और ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसको इस तरह से भी और लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें। देखिए 20 रुपये आपका क्या था, प्रॉफिट था, और यहाँ पर 1/10 प्रॉफिट है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को, तो यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कंपेयर करना, तो प्रॉफिट वैल्यू नीचे लाइए 10/1, अब ये ऊपर कॉस्ट था तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, इसको 50% से बढ़ा दिया गया है, 50% मतलब 1/2, 2 पर 1 बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 3/2, ठीक है। अब ये आपका नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और इस पर 10% का प्रॉफिट फिर से दिया जा रहा है, मतलब 1/10, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 टाइम्स, और 10 × 3, 30 रुपीज आपका नया प्रॉफिट आएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, एक मेथड, एक आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, ठीक है, और एक आपका, अगर नहीं समझ में आई है तो रिमाइंड करके फिर से देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो वापस परसेंटेज से आप अपनी वीडियोस को शुरू कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचता है,
और इस तरह 20% की हानि हो जाती है। प्रति किलो किस कीमत पर 5% का लाभ कमाने के लिए उसे बेचना चाहिए था। फ्रूट सेलर सेल्स मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹9 पर केजी एंड देयर वाइल लॉसेस 20%। एट व्हाट प्राइस पर केजी ही शुड हैव सोल्ड देम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो यहां आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹9 सेलिंग प्राइस 20% हानि के साथ, और आपको नया सेलिंग प्राइस निकालना है 5% लाभ के साथ। तो क्वेश्चन इजी है। तो यहां पर 20% हानि हो रही है, 20% का मतलब 1/5, 1/5। अब 1/5 पर हानि का मतलब 5 में 1 का लॉस, तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने सेलिंग प्राइस में तो ये 4/5 आएगा। तो ये सेलिंग प्राइस है ₹4 और ₹5 आपका कॉस्ट प्राइस है, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है ₹9, तो जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट को आप ऊपर लेकर जाइए, सेलिंग को नीचे लाइए, तब इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर इस कॉस्ट प्राइस पर आपको 5% लाभ लेना है, तो 5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 20 पर 1 का लाभ कन्वर्ट करेंगे तो 21/20। तो यहां तो आपको अब सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तो इसको 21/20 से मल्टीप्लाई कर दें। आई होप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो यहां पर है आपके पास 11.81 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5% प्रॉफिट के साथ, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक कुर्सी 47.5 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है, और 57.5 में एक मेज बेचकर 15% लाभ होगा उसको। वह कुर्सी को 36 रुपए में बेचता है, उसे कम से कम कितनी कीमत पर मेज को बेचना होगा ताकि दोनों वस्तुओं के साथ बेचने पर कोई हानि ना हो। अ मैन वुड गेन 20% बाय सेलिंग अ चेयर ₹4.475 एंड वुड गेन 15% बाय सेलिंग अ टेबल ₹4.575। ही सेल्स द चेयर ₹4.36। वट इज द लीस्ट प्राइस फॉर विच ही मस्ट सेल द टेबल टू अवॉइड एनी लॉस ऑन द टू टूगेदर। तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है चेयर का 20% प्रॉफिट के साथ, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है टेबल का 15% प्रॉफिट के साथ, और आपको फिर से उसने एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है चेयर का, लेकिन आप कंडीशन ये रख दी कि मेज को किस कीमत पर बेचे कि उसको कोई हानि ना हो। तो सीधी बात यह है कि जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस है वह टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर आना चाहिए, लेकिन उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालने होंगे, ठीक है। तो अभी हम ऊपर बता चुके हैं आपको बात कैसे आपको निकालना है। तो 47.5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट मतलब 6/5। तो ये तो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसको पलट देते हैं, तो इसको कर देते हैं 5/6 से मल्टीप्लाई प्लस इसी तरह से टेबल का 57.5। अब फिर आपके पास 15% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 15% होता है आपका 3/20, 3/20 जब प्रॉफिट हो रहा है तो 20 में 3 का प्रॉफिट मतलब 23/20 आपका वैल्यू बनेगा, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 20/23। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पहले वीडियोस पर जाइए फिर यहाँ आइए, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, इस टोटल कॉस्ट प्राइस को आपको टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर रखना है, जहां उसने 36 रुपए की आपकी कुर्सी सेल की है, और एक सेलिंग प्राइस और निकालना है मेज का, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, इस पर आपको मेज को बेचना है ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस ना हो। तो आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे आई होप, या चलिए करके मैं आपको बता देता हूँ। 23 से ये 2.5 टाइम्स डिवाइड होगा, 23 × 2 = 46, 11 बचेगा, 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और 23 × 5 जा, इसको आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आपका 7.92 टाइम्स आएगा। अब इनको ऐड करके 36 में से आपको माइनस करना है, तो ये सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 50.6, और ये आपका फाइनल आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो आई होप क्लियर है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो रहा है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा पहले वीडियो फिर से देखिए, और साथ में देखना का तरीका क्या होगा कि आप साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, ठीक से नोट्स बनाएं और उन क्वेश्चंस को अपना आप सॉल्व करने की कोशिश करें, चीज़ों को देखें, अप्लाई करें, तब चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे एक मूवी की तरह वीडियो देखने बैठ गए और देखे आगे बढ़ते चले गए, ऐसे नहीं। आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, साथ में जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं इसी तरह से आपको यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 5 दर्जन आम 156 रुपए में बेचकर यह पाया गया कि परिव्यय का 3/10 भाग प्राप्त किया गया था। 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए
प्रति आम का खुदरा मूल्य क्या होना चाहिए। By selling 5 dozen mangoes for rupees 156, it was found that 3 upon 10 of the outlay was gained. What should the retail price per mango be in order to gain 60%? देखिए क्वेश्चन वही है जो पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है और इसी की वजह से हम यहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, अब परिव्यय का 3/10 भाग प्राप्त हुआ है, मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उस पर मुझे 3/10 का लाभ हो रहा है। अभी मुझे अगर 60% लाभ प्राप्त करना है तो मैं उसको कितने का सेल करूंगा। एक आम का मूल्य पूछ रहा है तो एक का हम निकाल लेंगे। तो 3/10 से मतलब है कि आपको 10 पर 3 रुपए का लाभ, तो 13/10। तो ये आपको शो कर रहा है कॉस्ट प्राइस और ये शो कर रहा है सेलिंग प्राइस, और ये भी आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस, पहले किया था भाई अभी करना है, तो 156 इंटू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 10/10 आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। अब इसको 60% प्रॉफिट के साथ सेल करना है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5/1 3 का प्रॉफिट, 5/3 का प्रॉफिट मतलब ये बन जाएगा 8/5, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 60% प्रॉफिट के साथ। लेकिन यहां पर आपका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 5 दर्जन के लिए आ रहा है और आपको निकालना है एक आम का, तो के लिए भी क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दर्जन मतलब 60 आम है, तो एक आम आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, या हमने पूरे को 60 से डिवाइड कर दिया। इसकी बात है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 3.2 रुपए का आपको एक आम सेल करना होगा। सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपको ही सॉल्व करना है। 13 × 13, 13 × 2 = 26, और ये 0 से 0 भी कैंसिल कर दीजिए। बाकी आपके पास 6 से 2 टाइम जा रहा है, 8 × 2 = 16, 16/5 आपको 3.2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 10 और 5 रुपए से कम हो जाए, तो लाभ का प्रतिशत 10% बढ़ जाता है क्रय मूल्य के आगे। अच्छा क्वेश्चन, इसको पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट भी बताने की कोशिश करूंगा कैसे हम इसको जल्दी से एग्जाम में कर सकते हैं। तो 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ का मतलब पता है मुझे, एक 20% 1/5, और 5/1 का लाभ तो क्या बन जाएगा, ये बनेगी सॉरी 5/1 का लाभ 6/5। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 6x हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितना है 6x, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हम ले लेते हैं 5x। अब आगे कंडीशन क्या दी इसमें, कि यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 10 रुपये कम हो जाए, विक्रय मूल्य 5 रुपये कम हो जाए, तो क्रय मूल्य को 10 रुपये से कम कर देते हैं 5x - 10, विक्रय मूल्य को 5 रुपए से कम कर देते हैं 6x - 5, और अब ये कह रहा है कि जो उसका लाभ है वो 10% से बढ़ जाता है। पहले 20% था, अब 10% बढ़ गया मतलब 30% लाभ हो गया। ठीक है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू सोचिए, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 30/100 मतलब 3/10, 10/3 का लाभ है ना, तो 13/10। तो अगर मैं इसको 13/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा, और ये विक्रय मूल्य ये है, दोनों को हम बराबर कर देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपको 65x - 130 = 60x - 50। n को यहाँ क्रॉस लगा के आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपने सॉल्व किया तो 5x = आपको मिल जाएगा 80 मीन्स, और आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 5x ही था, और 5x आपको 80 मिल गया, इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है था पहले 80 रुपये, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ साइड में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जो लाभ हो रहा है 20% हो रहा है, 20% मतलब 5/6/5 आपका क्या बनेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब है कि ये 5 आपका कॉस्ट प्राइस है और 6 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है। अब जब इसने कुछ चेंज किया ना, कि ये 10 रुपये कम हो गया, वो 5 रुपये कम हो गया, तब इसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ गया, यानी कि 20 से 30 हो गया। ठीक है, 20 से 30, तो 30% है मतलब 3/10, और 3/10 का मतलब क्या होगा, 10 में 3 की वृद्धि क्या होगा 13/। अब हमें सोचना है कि भाई हमें जो ये 5 और 10 का अंतर है इसको बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 40 है, तो यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस 40 है, तो इसको 40 बनाने के लिए आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40, तो ऊपर भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 48 हो जाएगा। अब ये 40 है तो इसको 30 बनाना पड़ेगा,
ये 10 रुपये कम हुआ था तो 300 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 300 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आप ध्यान दीजिए 48 और ये 39, तो क्या ये 5 का अंतर है? नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 80, 80 को देखेंगे तो इसको 80 बनाने के लिए आप 16 से गुणा करेंगे, 16 × 5 = 80, तो भी 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 96, तो ये ऊपर आ गया। अब इसको 10 रुपये कम रखना है तो इसको 70 बनाना पड़ेगा, तो 7 से गुणा करेंगे 70, ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, 13 × 7 = 91, तो 91 और ये 96, 5 का अंतर आ गया, इट मीन्स 80 रुपये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ चीजें पहचानने की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नंबर 11, एक आदमी कुल लागत 650 रुपये पर दो घड़ियां ए और बी खरीदता है, वह 20% लाभ के साथ ए बेचता है और 25% की हानि पर बी बेचता है और दोनों घड़ियों के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, क्रमशः ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा? अ मैन परचेज टू क्लॉक्स ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹650, ही सेल्स ए विथ 20% प्रॉफिट एंड बी एट अ लॉस ऑफ 25% एंड गेट द सेम सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द क्लॉक, व्हाट आर द परचेसिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो कर लेते हैं। 650 रुपये में दो घड़ियां खरीदी, एक पर 20% लाभ, 1/5 से लाभ हो रहा है 5/1 का, तो ये 6/5 ये ए के लिए है, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। पर 25% हानि, 1/4, 4/1 की हानि मतलब 3/4, ये बी के लिए बात हो रही है। लास्ट में बोलता है दोनों घड़ियों के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो हमें विक्रय मूल्य समान बनाने हैं। यहाँ विक्रय मूल्य 6 रुपये है और यहाँ 3 शो कर रहा है, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, और 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 3 को 6 बनाने के लिए, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। विक्रय मूल्य समान आ गए जो कंडीशन थी क्वेश्चन की। अब यहाँ पर कह रहा है कि टोटल विक्रय मूल्य आपको 650 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ टोटल कितना बनता है? 5 रुपये ये आ रहा है और 8 ये आ रहा है, तो टोटल बनता है क्रय मूल्य, जो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस यहाँ बन रहा है 13 रुपये। 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 रिप्रेजेंट कर रहा है 650 को। 13 को 650 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 50, मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य, तो ये है 5 का 50 से मल्टीप्लाई मतलब 250, तो 50 एक क्रय मूल्य, ये ऑप्शन नजर आ रहा है, यही होगा। दूसरा यह है 8, तो 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर है, नहीं है तो पुराने वीडियो आपको देखने होंगे तब ये चीज आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक व्यक्ति 10% की छूट पर 100 पेन खरीदता है, पेन खरीदने के लिए व्यक्ति द्वारा खर्च की गई शुद्ध राशि 600 रुपये थी, व्यक्ति द्वारा किया गया विक्रय व्यय शुद्ध लागत मूल्य पर 15% है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 100 पेन के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अ पर्सन परचेज 100 पेन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द नेट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द पर्सन टू परचेज द पेन इज ₹600, द सेलिंग एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय द पर्सन आर 15% ऑन द नेट कॉस्ट प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर 100 पेन इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो देखिए, आप यहाँ उलझ सकते हैं कि 10% छूट के साथ खरीद रहा है, अब 10% छूट के साथ उसने पे कितना किया वो आपको यहाँ डायरेक्ट दे दिया उसने 600 रुपये, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि वो कितना उसने कितना उसका मार्क प्राइस था, उसने आपको 600 रुपये दिया हुआ है और आपसे सेलिंग प्राइस वो पूछ रहा है जिस पर उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इस 10% की वजह से उलझ मत जाना पहली बार। अब आगे बढ़ जाते हैं। 600 रुपये का उसने खरीदा था, 600 रुपये उसने शुद्ध पे किया, लेकिन उस पर उसने 15% खर्च भी कर दिया, 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/20, तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 पर 3 रुपये खर्च किए मतलब कुल मिलाकर 23/20 का कुल खर्च आ गया। अब इस पर इसको 25% लाभ भी लेना, तो 25% मतलब 1/4, 4/1 का लाभ, ये बन जाएगा 5/4, तो 20 से 30 टाइम्स सॉल्व करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई और ये सब सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको 860.50 आपका ऑप्शन। तो ये इजी क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, सिर्फ आपको लैंग्वेज में थोड़ा उलझाने की उसने कोशिश की है, तो उससे हमें बचना है। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई है, अगर हम उसमें फंसेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही फंस जाएगा, है ये आपको मानकर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपका होमवर्क है, तो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और कमेंट्स में मुझे आपको इसके आंसर बताने हैं।
अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने ठीक से सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, क्लासेस को ठीक से नहीं किया है, तो आपको उन क्लासेस को ठीक से करना है, फिर से इन क्वेश्चंस को करना है, इनके आंसर आपको जरूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर आपने ठीक से चीजों को किया है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं वेट करूंगा कि आप मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं तो उन्होंने अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम डिस्काउंट्स के वीडियोस भी लाएंगे, SICI के वीडियोस लाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ सारे क्लासेस कंप्लीट करूंगा अपने मेथड्स के साथ, अपने शॉर्टकट्स के साथ, और मेरे शॉर्टकट्स कंसेप्चुअल होते हैं, ये आप देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।